क्या आपको पता है कि पानी में देर तक काम करने या ज्यादा देर तक स्विमिंग पूल में नहाने से हाथ पैर की अंगुलियों की त्वचा सिकुड़ जाती है। भले ही आप हाथ पैर अच्छी तरह पोंछ लें या सुखा लें, फिर भी काफी देर तक ये त्वचा सिकुड़ी रहती है। इसे फिंगर रिंकल्स बोलते हैं और यह धीरे धीरे ठीक होती है। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो पूरा देखें, आपको पता चल जाएगा इसका क्या कारण है। पानी गर्म हो या ठंडा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी फिंगर स्किन दोनों तरह के पानी में सिकुड़ती है। चमड़ी का सिकुड़ना शरीर की एक अनैच्छिक क्रिया है। ये ऐसी क्रिया है कि जिस पर हमारे शरीर का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये आउट ऑफ कंट्रोल होती है। ये ऐसी क्रिया है जो हमारे शरीर में चलती रहती है, जैसे दिल का धड़कना, हार्ट बीट और सांस का आना जाना, रेस्पिरेशन, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएँ हैं, ये अपने आप चलती रहती हैं। साइंटिस्ट ने अपने प्रयोग में पाया कि ऐसे रिंकल्स स्किन से वस्तुओं पर हमारे हाथों की पकड़ ज़्यादा मजबूत बनती है। ये हमारे ऐसे काम करती हैं जैसे गाड़ियों के टायर पर कटाव कार्य करते हैं, जो पकड़ को मजबूत करते हैं और उनको फिसलने नहीं देते। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि आदिकाल में मनुष्य मछलियाँ पकड़ने जैसे कार्य की वजह से काफ़ी देर तक पानी में रहता था। इस वजह से उनकी अंगुलियों के इस प्रकार के निशान बन जाते थे और ये निशान उनको शिकार को पकड़ने में सहायता करते थे। इसलिए वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को अनुवांशिक प्रक्रिया मानते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप स्विमिंग पूल में नहाने जाएं या किसी को ये फिंगर रिंकल्स नहीं पता क्या होती हैं, तो नहाने जाएं तब देख लेना। तो दोस्तों, मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको थम्स अप देना। कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।